दोस्तों, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन आज यानी 16 नवंबर को 7 साल की हो गई है। इस मौके पर पूरे बच्चन परिवार में जश्न का माहौल है। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने भी अपनी पोती आराध्या बच्चन को अलग अंदाज में बर्थडे विश किया। बिग बी ने कहा, जुग जुग जियो और गर्व से जियो। बता दें कि अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। ऐसे में फैंस के मन में अक्सर ये सवाल भी आता होगा कि क्या आराध्या भी एक्ट्रेस बनेगी। हो सकता है कि फैंस का अंदाजा ठीक भी हो, लेकिन कुछ समय पहले एक ज्योतिषी ने आराध्या को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी। इस ज्योतिषी के अनुसार आराध्या बॉलीवुड नहीं बल्कि राजनीति में जाएगी, और इतना ही नहीं वो देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी। दरअसल ज्योतिषी डी ज्ञानेश्वर ने अमिताभ बच्चन की पोती के राजनीति में जाने की भविष्यवाणी की है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार डी ज्ञानेश्वर वही ज्योतिषी है जिन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन के राजनीति में आने की भविष्यवाणी की थी। अब उन्होंने आराध्या के करियर की भी भविष्यवाणी कर दी है। ज्योतिषी डी ज्ञानेश्वर के मुताबिक अगर आराध्या बच्चन अपना नाम बदलकर रोहिणी रख ले तो देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या का राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल होगा। इस दौरान डी ज्ञानेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए कई और भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुने जाएंगे। उन्होंने 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की भी घोषणा की है।